done with our lunch. As you can see, plate तो हमने खत्म कर ली because obviously we were hungry. हमारा जो resort है ना उससे 45 minutes दूरी पे ये आंचल place है. वहाँ से हम लोग ने order करा था हक्का नूडल आलू पराठा. I can't tell you, हक्का नूडल फिर भी ठीक ठीक था, okay था, good managed to eat. लेकिन पराठा, एक तो पता नहीं कौन सा तेल यूज़ करा था उसको बनाने के लिए. नंबर वन निधि कौन सा तेल यूज़ करा था? शायद राई का तेल. हाँ, और एकदम कच्चा, उसको भी मतलब कच्चा नहीं लगाना चाहिए, तो वो टेस्ट में नहीं आता है, खराब टेस्ट आते हैं. सो पराठा बहुत ज्यादा कच्चा था, ऊपर से मस्टर्ड ऑयल लगा के दिया था, तो वी डिड नॉट लाइक पराठा. और नूडल था वो ओके था. तो आप कभी भी अगर इस तरफ रह रहे हो, नायगांव में रह रहे हो, तो प्रॉब्ली इनका रिव्यू चेक कर लेना एक बार. हमने चेक नहीं करा था, हमारे पास बस वही पड़ा था रूम में, तो हमने ऑर्डर कर दिया. मैं जाके ये जो रिसोर्ट का ऑनर है उसको भी ये चीज़ बोलने वाली हूँ. कॉस्ट भी उसने लिया था पराठे का 140 और नूडल का उसने लिया था 180. सो कॉस्ट के हिसाब से फूड वॉज नॉट गुड. आई लिटरली डिड लाइक इट. आई जस्ट एट इट बिकॉज आई वॉज हंग्री, सो आई थॉट आई शेयर द रिव्यू ऑल्सो. लेकिन रात को डिनर हम लोग यहीं पे करने वाले हैं, सो आई एम गोना टेल यू दैट ऑल्सो कि यहाँ का खाना कैसा है. अभी डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने आपको वो झूले दिख रहे हैं, वी आर गोना गो देयर एंड चिल फॉर सम टाइम. आई विल सी यू इन द इवनिंग. बाय. Hey guys, good evening. We are all set to leave for beach. So this is the outfit. Same जूते जो हैं वो चेंज कर दिए हैं, डंगरी सेम है, टी शर्ट सेम है, सिर्फ बालों का लुक थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने. यहाँ पे बाल ओपन कर दिए हैं, सुबह मैंने बांध के रखे थे लेकिन अभी मैंने बाल थोड़े से खोल लिए हैं. ये जो हेयर बैंड है वो मैंने मुंबई लोकल ट्रेन से परचेज करी, तो मैंने सोचा चलो लगा ही लेती हूँ आज, मैं इसको लगे हाथ. फाइनली वी हैव रीच्ड, ऑलमोस्ट 6:15 होने आया है, तो लेट्स गो एंड चेक इट आउट. अगर कोई राइड अवेलेबल है या कोई एक्टिविटी अवेलेबल है विच वी कैन डू, तो मैं ज़रूर करूँगी और दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या क्या कर रही हूँ. इतना सुंदर सा सनसेट होने वाला है ना आज यहाँ पे, चाहे एक्टिविटी करने मिले या ना मिले, लेकिन सनसेट तो यहाँ का देखने मुझे ज़रूर मिले. ये वाला अवेलेबल है, इट्स कॉल्ड जेट स्की, सोफा, बनाना राइड और ये स्लीपर. फैमिली बोर्ड तो चाहिए नहीं हमको, फैमिली है ही नहीं. और ये वाला नहीं हो पाएगा क्या आज? यही तो करना था बॉस, मतलब हर चीज़ करने में या तीनों मिला के 600, तीनों मिला के 600 पर हेड. जेट स्की ना, वो सिंगल होगा ना? सिंगल, ये देखो कूपन दिया है. ठीक है, सो जेट स्की समथिंग दैट वो सिंगल बोट होता है ना, स्पीड बोट होती है जिसमें सिंगल बंदा राइड करता है. एंड बनाना राइड एंड सोफा राइड, या लेट्स गो एंड स्टार्ट राइड. बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया. पीपल हु हैव अ फियर विद वाटर शुड डेफिनेटली ट्राई इट. मतलब मुझे अभी तक ऐसे फील हो रहा है, गॉश व्हाट वाज द एक्सपीरियंस. आई हैड अ फन, आई एम एंजॉयिंग. नाउ नेक्स्ट टर्न वो निधि का है. सो निधि बैग जाना सबसे पहला रूम होल टाइम, क्योंकि वो भैया जो है ना वो इधर उधर इतना नीचे से देखो लेके चलेंगे ना, देखो लगेगा तू गई. कई बार ऐसा हो रहा था कि मैं फिसल रही हूँ अपनी सीट से. सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ही ड्राइव किया था, सिर्फ वो पकड़ के रखे तो आते टाइम हो रही मेरी तो नहीं. होल टाइम नंबर वन ड्रेस देती रहना, और स्पेशली जब ये लहरें वगैरह उठ के आएंगे ना, तब तो मतलब फन्ना ड्रेस देने का, विद
इतनी मजे आने वाली ना, मतलब और चिल्ला जोर जोर से, जितना चिल्लाएगी ना डर कम लगेगा। आर यू एक्साइटेड? डर लग रही मेरे को तो। बोल टाइट। बनाना राइड में क्या होता है, आपको समुंदर के बीचों बीच ले जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि आप हाथ ऊपर करो, वो डुबकी लगवाएंगे, मतलब वो बोट को उल्टा कर देते हैं जिसमें आपको गिरना होता है समुंदर में। आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर फ्रेंड्स, कैसे होते हैं, इसको तैरना नहीं आता ठीक से, और जैसे मैंने बोला नहीं दीदी मुझे कूदना है, शी सेड ठीक है भैया कूदा दो आप हमको अंदर बेचारी। पर जैसे ही अंदर कूदी, आई लुक्ड एट हर एंड आई थॉट ओ गॉड शी गॉट रियली पैनिक। मुझे लगा यार इसको क्या हो गया, आई जस्ट केप्ट सेइंग हर निधि वेकअप, कुछ नहीं होगा निधि, कुछ नहीं होगा। फाइनली शी रियलाइज ओके मैं डूब नहीं रही हूँ। इतनी देर में भैया आ गए और हम दोनों को पिक कर लिया। बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बहुत खतरनाक, जिसको स्विमिंग नहीं आती उसके लिए तो खतरनाक एक्सपीरियंस, जिसको स्विमिंग आती उसके लिए तो नॉर्मल है। समुंदर के बीचों बीच 20 फुट नीचे जहाँ पे 20 फुट का पानी था, वहाँ जाके हमें बोला कि हाथ ऊपर करो और कूद जाओ। बट निधि आई हैव टू टेल यू आर माई अ गुड फ्रेंड, अ ऑनेस्ट फ्रेंड, क्योंकि मेरे को तो आता था तैरने तो मैं तो कूद गई, इसको नहीं आता ठीक से तैरने, लेकिन जैसे क्या जरा भी नहीं आता मुझे, जरा भी नहीं आता, चलो जरा भी स्विमिंग नहीं आती इसको, लेकिन मैंने बोला कि निधि कूदना है एंड शी जस्ट जंप। आई लव यू, आई लव यू। तो अभी यहाँ पे शाम हो गई है, क्राउड भी थोड़ा कम हो गया है, वी हैड अ फन, नाउ वी आर गोइंग बैक टू रिसॉर्ट, थैंक यू बाय। रात को जो प्रॉपर्टी है कुछ इस तरह से दिख रही है, मेरी गले की हालत ख़राब हो रही है। सो एज यू कैन सी यहाँ से एंट्री लिया था हमने, और यहाँ पर पूरी लाइटिंग वगैरह लगाई है, एंड दिस इज़ हाउ द होल प्रॉपर्टी लुक्स लाइक राइट नाउ। सो निधि अभी हम क्या करने वाले? स्विमिंग पूल में जाएंगे। निधि इतनी ज़्यादा खुश है। निधि तू मुझे कुछ कह रही थी ना रास्ते में आते हुए, क्या कह रही थी? बोल बोल बोल। 7 साल में वो पहली बार हम लोग बाहर आए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अंजलि कैप्टन एनजे के बदौलत, वरना हमारा सारा हमेशा प्लान बनता है पर सक्सेसफुल होता नहीं है, यही वाला प्लान सक्सेसफुल हुआ है। हम लोग ने गोवा का प्लान, पूरी कॉलेज लाइफ बनाया फेल, मुंबई में रहते हुए मुंबई के आसपास सारे इलाकों के लिए प्लान बनाया फेल। After marriage, मैंने बोला मैंने जाना है इस ट्रिप पे। Starting of the trip, there were 5 people was included in the trip, right? लेकिन ट्रिप की डेट आते आते ना सब no, 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 as usual. लेकिन मैंने बोला मैं तो आके रहूंगी भाई, क्योंकि मैं ऑल द वे बैंगलोर से आ रही हूँ, नो मैटर वॉट मुझे तो जाना है। देन निधि सेड अंजलि मैं तुझे कंपनी दूंगी और हम दोनों जाएंगे। सो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारी सारी एक्टिविटीज पूरी करके, नाउ वी आर गोइंग टू द स्विमिंग पूल। अरे गर्माहट कर रही हूँ बॉडी में।
अगर मैं डूब गई तो मुझे बचा लेना दीदी, दीदी मेरे पति को बोला मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, जा चल और बोल लेंगे जो बोलना है। दिस इज लाइक क्रेजी मैन, बहुत ज्यादा पानी। क्या कर रही तू, तूने आज पूरे दिन में कितने बिस्किट के पैकेट खरीदे बता, जल्दी बता। सारे मतलब यहाँ नायगांव के जितने भी कुत्ते हैं ना सबको निधि ने बिस्किट खिलाया, अभी बिल्ली को भी नहीं छोड़ रही है। यू आर डूइंग गुड वर्क निधि। अभी हम लोग को इतनी ज्यादा ठंडी लग रही है, हमने नहा धो ली एकदम फ्रेश हो गए। ओनर है ना उनसे हमने अभी रिक्वेस्ट करा कि हमें बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, आप क्या हमको बॉनफायर लगा के देंगे ना। एंड ही इज सो स्वीट, लुक व्हाट ही इज डूइंग। ये देखो सचिन, थैंक यू सो मच। ये देखो हाय, इन्होंने ना हमारे लिए बॉनफायर लगा दिया है। अब मैं और निधि आराम से बैठेंगे और अच्छे से बातें करेंगे। हमने सोचा हम आराम से पूरी रात जगने वाले, और अब हमें लग रहा है कि हम सोने वाले भी नहीं हैं। गाइस अगर आप नायगांव में आओगे ना तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप जो भी बोलते हो ना ये लोग कहीं ना कहीं से आपको अवेलेबल करा देते हैं। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फूड, क्योंकि लंच हमने कहीं और से ऑर्डर करा था, यू नो अच्छा नहीं लगा मुझे, लेकिन अभी हम डिनर यहीं पर करने वाले हैं। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। सो ये रही रोटियाँ, और ये गुलाब जामुन है, ये पापड़ है, मतलब हम लोग तो पापड़ियाँ बोलते हैं लेकिन पापड़ियाँ जो तल के इन्होंने दी हैं, ये दाल है, ये भिंडी मेरी फेवरेट, माय गॉड, तो भिंडी की सब्जी है, और ये पनीर और मटर है। इसके ऊपर बटर नहीं लगता क्या? नहीं, इसमें बटर ला के दे दो। थैंक यू। ये फर्स्ट में वाला मैं खा रही हूँ। क्या सब्जी बनाई है, माइंड ब्लोइंग। इसको भाकरी बोलते हैं, जो चावल की रोटी है, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी ये नहीं खाया। बाकी ये सब तो हम लाइफ में खा ही चुके हैं। निधि खाना कैसा लग रहा है? एकदम मतलब घर वाली फीलिंग आ रही है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम लोग रिसोर्ट में हैं। टेस्टी है खाना, यम। सारा का सारा खाना ना घर का बना हुआ था, इनफैक्ट ये गुलाब जामुन भी ना घर के बने हुए थे। मज़ा आ गया यार सच में। खाना हमारा हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया बॉनफायर हमारा लग चुका है। माय गॉड, माय वॉइस इज़ गॉन, आई हैव टू व्लॉग अंटिल आई रीच होम, सो आई एम स्पीकिंग लिटिल स्लो। हम लोग सोने वाले तो हैं नहीं, क्योंकि ओवियसली इसके बाद मैं बैंगलोर निकल जाऊंगी, और पता नहीं कब हमें मौका मिलेगा वापस इस तरह से टाइम स्पेंड करने का। तो मैंने सचिन को क्या बोला, सचिन एज इन जो ओनर है इस प्रॉपर्टी के, कि आप ना हमको चाय बना के दे दो अच्छी वाली, मतलब पूरी रात भर चले इतनी चाय बना के आप हमको दे दो, एंड लुक वॉट ही हैज़ डन। तो ये है थर्मास, ये जो कप्स आपको दिख रहे हैं करीब 6 कप हैं, मतलब 6 कप चाय बना के उन्होंने हमको दिए। गॉड नोज एट व्हाट टाइम वी आर गोना स्लीप टुनाइट, बट जितने बजे भी मैं सोऊंगी आपको गुड नाइट बोल के मैं सोने वाली हूँ। मेरी बिल्ली भी है यहाँ पे, कितना प्यार से बोलती है, मैंने उसको खिलाया कितना सारा बिस्किट, वही वाली वेफर खिलाया, बिस्किट खिलाया, अब उसका पेट भर गया ना बेटा, पेट भर गया कितना लगा, ऐसे से भर गया ना मेरा पेट। राइट नाउ द टाइम इज 11:50, मतलब ऑलमोस्ट 12 हो गया है, और खाने के बाद हम ये अपनी पहली चाय पी रहे हैं। चीयर्स। Hi guys, good night. Friends, चाय पी लो। दीदी और कितनी देर बात करनी है, देखो पूरी रात। मेरी ना नाक बह रही है और तबीयत ना मेरी ऑलमोस्ट सुबह में आपको कैसे गुड मॉर्निंग बोलने वाली हूँ, बट राइट नाउ द टाइम इज, यू कैन सी हियर, इट्स 3:12 रात की, मतलब सुबह की 3:12:13 हो रही है। चाय हम लोग ने सारी ख़त्म कर ली है, लेकिन हम बातें अभी भी किए जा रहे हैं, देखते हैं और कितना जग पाते हम लोग, और फिर मैं आपको गुड नाइट बोलने आऊँगी। बाय। 4:07 हो गए और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। निधि कोटा भर गया तुम्हारा? हाँ कोटा भर गया बातें करके, फिलहाल तो नहीं भर है, बस सो रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। गाइस आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, बाय गाइस, गुड नाइट।
गुड मॉर्निंग गाइस, राइट नाउ द टाइम इज 9:17. आई गॉट अप जस्ट लाइक 15 मिनट्स बैक और मैंने ब्रश किया, फ्रेशन अप हुई. नाउ व्हाट वी गोना डू इज हम लोग ने चाय और पोहे ऑर्डर करे. पोहे मेरी फेवरेट है, यू गाइस नो ऑलरेडी. सो हम लोग करेंगे अभी ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम लोग तैयार होंगे और विल लीव दिस प्रॉपर्टी. आई मीन गाइस, आई कांट टेल यू कि मुझे कितना वैसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है एक दिन की ट्रिप बहुत कम थी. हम लोग को ना दो दिन का ट्रिप करना चाहिए था. नाउ हैव टू गो एंड गेट रेडी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. बाय. वी आर ऑल सेट टू लीव. निधि इज राइट देयर. जिस ऑटो में एक्चुअली हम लोग यहाँ पे आए थे ना, उस अंकल का हमने नंबर ले लिया था, तो हम उनको वापस कॉल कर दिए. ही इज गोना कम टू पिक अस. बज रही है 10:11 बजे, हमें यहाँ से निकलना है. तो मैं जितना हो सकता है उतना इस प्रॉपर्टी को और एक्सप्लोर करूंगी. सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ा सा बैडमिंटन करेंगे. यू नो वी वर लिटरली थिंकिंग हम एक और दिन ले जा, लेकिन माई स्केड्यूल इज लिटरली टाइट. आई हैव टू बी इन बैंगलोर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज एज यू गाइज नो दैट आई एम वर्किंग. ज्यादा छुट्टियाँ नहीं होती यार, जितना छुट्टियाँ मिला मैं हैप्पी हूँ. लेट्स गो have our last breakfast here. Thank you. This is the time to say bye to this beautiful place. जिस पर्सन ने मतलब यहाँ पे जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी थी उसका नाम है, मैं नाम भूल गया आपका, सचिन. सो हियर इज सचिन. सचिन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर फैसिलिटी. गाइज एनी टाइम यू विजिट इन नायगांव प्लीज डू विजिट दिस प्लेस. दिस जेंटलमैन हैव गिवन अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटी इन द अफोर्डेबल प्राइस. सारी फैसिलिटी इनकी बहुत अच्छी है, स्पेशली फूड. रात का जो डिनर था, ये डिनर कौन बनाता है, आप बनाते हैं ना, तो इनकी वाइफ बनाती है. और खाना इतना ज़्यादा अमेजिंग था ना गाइज, आई कांट टेल यू. सो सचिन वंस अगेन थैंक यू सो मच. बाय. थैंक यू सो मच फॉर द फूड. कैसा फील हो रहा है देखो? अभी अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा, अभी अच्छा नहीं लग रहा, अभी अच्छा नहीं लग रहा. सब ले लिया, सब शाम का सीन याद आ रहा है. स्विमिंग पूल ना, इट वॉज फन. हमारा ऑटो रिक्शा, चलिए भैया. थैंक यू सो मच. तो यहाँ पे जो कॉस्ट हुआ ना, वो इस बार कम हुआ. आते वक्त हमको 170 रुपीज़ देना पड़ा था पर पर्सन, लेकिन अभी हुआ है सिर्फ 125 रुपीज़ बस प्लस फेरी बोट. हाँ, जिसमें यहाँ से हमको मांडवा भी ले जाएगा बस में, और वहाँ से हमको फेरी से गेट ऑफ इंडिया तक ले जाएगा. कॉस्ट वॉज 125 पर पर्सन. टू मांडवा. मुंबई आने के बाद मैंने व्लॉगिंग करना शुरू करा, तब से लेके मेरे ऑलमोस्ट सारे ही व्लॉग में निधि है. निधि, कैमरा के सामने रहना कैसा लगता है तुमको? पहले से तो काफ़ी कंफर्टेबल ना. फर्स्ट एक दो व्लॉग में उसको हाय बाय बोलने नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो आराम से बोल लेती है, कॉन्फिडेंटली बोल लेती है कि दोस्तों फ्रेंड्स चाय पी लो. अलीबाग का जो हमारा ट्रिप है वो ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है. बहुत एकदम सैड वाली फीलिंग आ रही है. हाय, एक दिन में मेरी ट्रिप ख़त्म हो गई, मुझे ना दो दिन का लेना चाहिए था. बट दैट्स ओके, हम लोग हमारी ऑलरेडी एक ट्रिप डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स में हम लोग करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून. तो हम लोग जाते हैं, फेरी पकड़ते हैं, और आप तो हो ही मेरे साथ में. लेट्स गो. Thank you.
ज़्यादा पी नहीं पाया था, हम इतने बातें कर रहे थे कि फ्रिज में पड़ा रह गया, हम लोग ने पिया ही नहीं। तो अभी हम लोग और फिर हम पहुँच जाएंगे, फिर हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम अपना निगाह चले जाएंगे। फेरी राइड इज ओवर, पहुंच गए हम लोग गेट ऑफ इंडिया, लेट्स गो। दो बज के 10 मिनट हुई है आफ्टरनून की और क्राउड देखो आप यहाँ पे, ठीक है ये देखो। So Nidhi, we are ending our girls trip right here. How are you feeling? Do you want to say something? क्यों ये खत्म हो गया? Actually इतना इतना मतलब इतना unexpected, मतलब जितना expect किया था उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। दोनों अकेले रह के भी इतना ज़्यादा fun किया, मतलब जो लोग नहीं आए ना, जिनको बहुत request करने के बाद भी उन लोग ने बोला नहीं हमें नहीं आना, for a couple of reason, your loss babies, हमने तो बहुत मज़े किए यहाँ पे। और अब हम जाके ना उनको बहुत चिढ़ाने वाले, सारे फोटोज़ और वीडियोस भेज भेज के उनको चिढ़ाएंगे कि तुमने हमको डम किया, लेकिन हम तो बहुत मजे कर गए। वी आर एट गेट ऑफ इंडिया, एज यू कैन सी मुंबई में ऑलमोस्ट 5 साल साथ में रहे, लेकिन कभी भी गेट के फोटोज हम बहुत कम खींचना, गेट ऑफ इंडिया पे पिक्चर्स लिए ना, कभी ताज होटल आके फोटो लिए ना, कभी यहाँ आके हमने फोटोज लिए, कभी आए भी नहीं। इनफैक्ट मरीन ड्राइव्स पे हमारे यहाँ हैं बहुत सारे फोटोज, लेकिन यहाँ नहीं है। सो हम लोग ना इस मोमेंट को खोना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हम कभी बोले कि यार गेट ऑफ इंडिया पे हमारा फोटो नहीं। तो हम अभी आराम से थोड़ा सेल्फी मोड ऑन करेंगे, दोनों अपनी अपनी पिक्चर्स खींचेंगे। ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर। सो दिस वॉज माई फर्स्ट एवर ट्रैवल व्लॉग ऑन माई चैनल, आई होप यू गाइज इंजॉय दिस वीडियो। If yes, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. अभी ये निधि भी बोलेगी, निधि ने सीख लिया। निधि चश्मे पहन ले, चश्मे पहन के बोल बेबी, तू इतना कर रही मेरे लिए, मैं तेरे इतना नहीं करूँ। हाँ बोल, आराम से बोल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हर चैनल, दैट इज कैप्टन NJ, और प्लीज़ बेल आइकन बजाना ना भूले। दिस वॉज अ ट्राई फ्रॉम निधि, कमेंट करके बताना कि हमारी दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वॉज द ब्लॉग, डिड यू एन्जॉय, डिड यू लाइक इट। अगर आप मेरे वीडियोज़ पहले से देखते हो देन थैंक यू सो मच, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा निधि, टाटा।